नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली नोटिफिकेशन में बताया था कि हम एसबीआई को लेके क्लर्क एसबीआई क्लर्क 2023 की जो वैकेंसी आई है उसको लेके हम प्रिपरेशन बहुत जल्दी चालू करेंगे, तो उसी को लेके आज हमारी पहली क्लास होने वाली है जो रीजनिंग को लेके होगी। और यह क्लास आपके एसबीआई प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मोस्ट टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पजल। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो, पजल पजल और सीरीज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, इजी वे में पहले करेंगे, फिर मॉडरेट और हाई लेवल की भी पजल सॉल्व करेंगे। तो हम बिना समय गंवाते हुए सीधे अपने टॉपिक पे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है और बहुत जल्दी होगा। तो हम इसकी प्रिपरेशन के लिए कैसे क्या कैसे जल्दी से जल्दी हम इसको कवर करेंगे, तो हम टॉपिक वाइज जैसे जैसे आप समय मिलता रहेगा हम आपको क्लास लेके प्रोवाइड कराएंगे और आप इससे पढ़ते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। पजल का पहला क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देखिए, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके अनुसार प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न मैंने आगे वाली स्लाइड में सेव करके रखे हैं, तो हम पहले पजल को सॉल्व कर लेते हैं। पजल अगर सॉल्व हो गई तो उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है। पजल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपने बचपन में देखा होगा पहेलिया, पहेलिया जो होती है उलझन भरी होती है जिसके अंदर ही जवाब होता है, मगर एग्जैक्ट जवाब इसके अंदर है और आपको दिखता नहीं है क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं रिलेट करके को रिलेट करके ये सेंटेंस बनाए जाते हैं, उसको लेके पूरी स्टोरी बनाई जाती है या पूरी सीरीज बनाई जाती है जिसे पजल कहते हैं। तो इसमें पूरा हमको नहीं दिया हुआ, इसको लेके हम एक पूरी सिक्वेंस बना सकते हैं, पूरी स्टोरी बना सकते हैं, क्योंकि आधी लाइनें उसमें काट दी जाती है, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सभी लाइनें एक दूसरे को कनेक्ट करके उस स्टोरी को पूरा करते हैं। तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को, पहली पजल को क्या कहती है। 10 मंजिला इमारत में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, 10 मंजिल की कोई इमारत है उसमें 10 लोग रह रहे हैं। फिर आगे बोला भूतल का क्रमांक 1 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर का एक नंबर दिया हुआ है, जैसा कि हमारे यहाँ बिल्डिंगों में होता है। फिर बोला इसके ऊपर 2 है, इसी प्रकार के शीर्ष के तल पर 10 है, मतलब एक से क्रम वाइज 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ऊपर तक 10 संख्या है, ठीक है। अब बताएगा टी चौथी मंजिल पर रहता है, टी और एस के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, एस एक्स और एस के बीच में 4 लोग रहते हैं। फिर उसने बोला है क्यू एक्स के ठीक नीचे रहता है, फिर बोला है क्यू और पी के बीच में 4 लोग रहते हैं, फिर कहता है आर पी के 2 मंजिल ऊपर रहता है, आर है जो पी के 2 मंजिल ऊपर रहता है, फिर सी ई के ठीक ऊपर रहता है और यू जो डी के नीचे रहता है। ये कंडीशन हमें बताई गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, ये बहुत सिंपल सी पजल है, तो उसको करने के तरीके बता देता हूं। सबसे पहले तो अल्टरनेटिव लर्निंग, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक ही बारी में आपका सही रिजल्ट आ जाए, सही आंसर आ जाए, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले देखो इसमें बताया गया है कि क्रमांक 1 से 10 तक टोटल मंजिल है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम मंजिल बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 मंजिलें बन गई हमारी। अब इसी के सामने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है ताकि क्या है हम एक के साथ 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी, जितनी पॉसिबिलिटी होगी उतनी हम बना सकते हैं अपनी सीक्वेंस, ठीक है। तो हमने ये बना दी, संख्या लिख दी। अब इसने सबसे पहले बोला है, देखो पहली लाइन में एक का सबसे टी का क्लियर बता दिया, टी कितनी मंजिल पे रहता है, चौथी मंजिल पे, तो फोर्थ फ्लोर पे कौन रह रहा है, फोर्थ फ्लोर पे रह रहा है टी। देखो यहां से एक और हम बता देते हैं पॉसिबिलिटी, अगर हुई दूसरी बनाने की तो बना सकते हैं, तो फोर्थ मंजिल फोर्थ वाली स्टेज है, इस पे कौन रहता है टी, तो हमने ये टी बना दिया फोर्थ पे, ठीक है, ये टी हमारा बन गया है, फोर्थ पे टी बन गया है। अब हमें आगे क्या बोला, टी और एस के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, अब टी और एस के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 एस यहां भी हो सकता है, एस यहां भी, तो एक बार और टी लिख देते हैं, क्या पता और कंडीशन बने, तो एक बार तो हम यहां लिख देते हैं 2 ऊपर करके, 2 व्यक्ति रहते हैं, एक ये छोड़ा एक ये छोड़ा, यहां कौन है एस है, फिर वापस एक ये छोड़ा यहां कौन है एस है, ठीक है, एक तो एक नंबर पे आया, एक आया 7 नंबर पे, 2 चीजें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसने बोला है टी और 2 व्यक्ति भी आ गए, अब देखते एक्स और एस के बीच में 4 लोग रहते हैं, एक्स और एस के बीच में
चार लोग रहते हैं तो ऊपर तो हो नहीं सकता, एस और एक्स के बीच में चार लोग, तो यहां से गिनते एक दो तीन और चार, तो यहां आएगा एक्स। वापस नीचे से गिनते एक दो तीन और चार, यहां आएगा एक्स। चार चार लोग हो गए दो एक्स के, एस और एक्स के बीच में। फिर आगे बोलता है क्यू और एक्स के ठीक, क्यू एक्स के ठीक नीचे रहता है, क्यू है ना जो वो एक्स के ठीक नीचे रहता है, तो एक्स के ठीक नीचे क्यू, एक तो यहां पे आ जाएगा, ये आ गया क्यू, एक्स के ठीक नीचे रहता है, एक एक्स के नीचे यहां भी आ सकता है क्यू, दोनों जगह आ गया पॉसिबिलिटी। कहीं ना कहीं एक एक जगह ऐसी आएगी जो दोनों में से एक एलिमिनेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि वहां ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो यहां तक हो गया। अब और क्यू और पी के बीच में चार लोग रहते हैं, क्यू और पी के बीच में चार लोग, तो यहां से देखते हैं तो एक दो तीन और चार, ये आ गया कौन, पी। क्यू और पी के बीच में चार लोग रहते हैं, क्यू और पी के बीच में चार लोग। अब यहां से देखते हैं तो एक दो तीन चार, यहां तो नहीं हो रहा है। फिर वापस क्यू से ऊपर जाते हैं, एक दो तीन चार, यहां आ गया पी, पी आ गया ठेठ ऊपर पे आ गया। अब देखते हैं अब आगे क्या बोला हमें, अब आगे बोला दोनों अभी तक तो सही सही चल रही है, कहीं ना कहीं ये बाहर निकल जाएगी एक, क्योंकि दोनों सही नहीं होती है। आर पी के दो मंजिल ऊपर रहता है, आर जो है ना वो पी के दो मंजिल ऊपर रहता है। अब यहां पे तो पी ऊपर आ गया, पी के दो मंजिल ऊपर और आर रहेगा, तो ये तो 12 मंजिल 13 मंजिल हो जाएगी। तो हमें आर एक और देखना है, आर कहां है, आर एक और सॉरी पी एक और कहां, पी के दो मंजिल, तो पी ये रहा इसके दो मंजिल ऊपर, एक और दो, तो दो मंजिल ऊपर कौन है, आर है, तो ये दूसरी मंजिल पे हो गया आर, वो तो कट गया, ये तो हमारा हो गया गलत क्योंकि इसके ऊपर नहीं जाए। अब हम इसको ही भरने की कोशिश करेंगे। फिर आगे आगे क्या बोला है, सी ई के ठीक ऊपर रहता है, सी जो है ई के ठीक ऊपर रहता है, तो ठीक यहां तो है गैप तो है मगर ठीक ऊपर नहीं है क्योंकि बीच में टी आ रहा है, तो सी है ना वो ई के ठीक ऊपर रहता है, तो ई यहां बन गया, ये बन गया ई, इसके ऊपर कौन है सी, ई के ठीक ऊपर सी हो गया। अब हमने बोला यहां क्या है वो लास्ट वाला क्या है, यू डी के नीचे रहता है, डी के नीचे, तो ये बन गया डी और ये बन गया यू। अब हमारी सारी कंडीशनें पूरी हो गई और हमारा सीरीज भी बन गई है। तो इस तरह से हम इस सीरीज को बनाते हैं, कोई भी सीक्वेंस हो कोई भी पजल हो हम इस पजल को ऐसे सॉल्व करते हैं। टेबल वाली पजल थी ये, इमारत वाली थी जिसमें हमें इस टाइप से एक दो तीन चार पांच पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, 10 भी बन सकती है, जब तक एक बार नहीं निकले और एग्जैक्ट आंसर नहीं आए तब तक ऐसे ही करना। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन देखेंगे हम, इसके क्वेश्चन तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, बस हमारा जब सॉल्व हो जाए इस टाइप से ये सॉल्व हो जाए तो हमें क्वेश्चन नीचे दिए होंगे तो हम देख के डायरेक्ट बता देंगे दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, दूसरी मंजिल पर रहता है एक्स, तो इसमें एक्स आंसर है, ये रहा ठीक है। फिर आगे आगे पूछा सी और आर के मध्य कौन रहता है, सी और आर के मध्य कौन रहता है, सी और आर कहां गया, सी और ये रहा और आर ये रहा, तो बीच में कौन रहता है ई, तो सी और आर के बीच में कौन रहता है ई, इस टाइप से हमें आंसर करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, दो क्वेश्चन मैंने करवा लिए, तीसरा भी आप ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है तीसरा, पांचवी मंजिल पर कौन रहता है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है टी के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, टी के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं। फिर है निम्न में से पांच में से चार ऐसे है जो, देखो इनमें से कोई ना कोई एक अलग अलग आएगा रिलेशन, या तो दोनों साथ साथ में होंगे ऐसा कोई रिलेशन होगा इनके बीच में, तो आप जो सीरीज हमारी बन गई है उसको देख के इसका आंसर बता दोगे और बता सकते हो, इसी टाइप से आपको सॉल्व भी करनी है। चलते हैं हम अगले पे, अगली पजल आएगी आपके सामने थोड़ी सी, ये मैंने मॉडरेट लेवल की ली है क्योंकि हमने पहले देखा ये सिंपल लेवल की थी, ये वाली जो पजल थी ये आपके बहुत सिंपल लेवल की थी, पहले ऐसे आती भी थी अभी भी आ सकती है आपको, प्रैक्टिस के लिए इसी टाइप से करना है क्योंकि आप नए हो फ्रेशर हो तैयारी कर रहे हो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, तो आपको इस टाइप की पजल को पहले लेना है और सॉल्व करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो आप और आपको समझ में भी आए ऐसे करने का, ठीक है। चलते हैं आगे हमारी अगली पजल पे, चलिए। तो ये मैंने कुछ टेबल पहले से ही बना के रखा है ताकि आपको समझाने में सॉल्व हो, ठीक है। देखो वही है क्योंकि ध्यानपूर्वक पढ़ के अध्ययन कीजिए। अब देखो इसमें
एक ढेर में 9 डिब्बे पड़े हैं, ठीक है, 9 डिब्बे अर्थात इसके सभी के नाम भी दिए हुए डिब्बे हैं, एक ढेर है, कोई भी एक के ऊपर एक इसने बताया आगे आगे, जैसे एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है, एक के ऊपर एक ढेर पड़ा है डिब्बों का, 1 2 3 4 5 ऐसे डिब्बे, एक के ऊपर एक स्लाइड रखी गई है, ठीक है, डिब्बों की, जिसमें नीचे वाले ढेर का क्रमांक लिखे, वही मंजिल मान लो, इसे मकान बिल्डिंग की मंजिल मान लो कि ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इसी हिसाब से है। तो देखो एक का नाम है, फिर एक फर्स्ट वाले का, फिर दो, इसी प्रकार से क्रमांक 9 तक दिया गया है, 9 तक दिया हुआ है, तो हमने 1 से 9 तक पहले ही लिख के आपको बता दिया है। अब आगे करना क्या, यहां तक तो हमारा हो गया, अगर इसने बोला है कि जरूरी नहीं, जैसे एक है तो एक पे P है, 2 पे Q है, R है, ऐसे नहीं है, इसको अलग टाइप से कभी भी कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसने बताया, जरूरी ये नहीं कि इसी क्रम में हो। देखो फिर हमारे यहां से चलता है क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिब्बे पी और डिब्बे एक्स के मध्य 3 व्यक्ति बैठे, पी और एक्स के मध्य, पी और एक्स के मध्य कितने हैं, 3 लोग हैं पी और एक्स के मध्य। फिर आगे कहा है डिब्बा एक्स और डिब्बे क्यू के मध्य 2 है, दूसरी कंडीशन क्या है, पहली है फिर एक्स और क्यू, हाँ एक्स और क्यू के मध्य 2 लोग हैं, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि डिब्बे डब्ल्यू, डिब्बे डब्ल्यू को क्यू से 4 स्थान ऊपर रखा गया है, तथा W के डिब्बे R 4, ठीक है, 4 डिब्बे आगे रखा, 4 डिब्बे रखे गए हैं, डिब्बे R और डिब्बे S के बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं, डिब्बा U डिब्बा S के आसन है, आसन का मतलब होता है पास में, ऊपर या नीचे, आस पास में, ठीक है, मतलब उसके एकदम पास में, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। फिर डिब्बा T V के नीचे रखा गया, लेकिन ठीक नीचे नहीं रखा गया, डिब्बा जो वी वी और टी है उसके नीचे तो रखा गया, मगर एग्जैक्ट नीचे नहीं है, उसके बिल्कुल नीचे नहीं है, हो सकता है उससे 2 4 5 9 तक है, तो यहाँ टी आ सकता है, यहाँ वी आ सकता है, इस टाइप से बताया गया है, ठीक है। और वी सबसे ऊपर भी नहीं है, वी सबसे ऊपर नहीं है, तो इस टाइप की पजल में हमें यह देखना है कि स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसका संबंध 2 या 3 लाइनों में होगा, 2 या 3 लाइनों में सेम सेम उसका सिमिलर होगा। तो हमें यहां देखने को मिल रहा है W, यहां भी Q मिल रहा है, यहां भी Q मिल रहा है, तो हम Q से भी स्टार्ट कर सकते हैं और W से भी। तो हम सबसे पहले W को Q को मान लेते हैं, Q को ले लिया, Q देखो यहां बताया गया हमें इस लाइन में, मैं थोड़ा इरेज करके आपको बता देता हूं साफ करके, हाँ इस लाइन में हमें बताया गया है कि W को डिब्बे Q से 4 स्थान ऊपर रखा गया है, तो क्यों ना हम Q को नीचे मान लेते हैं। अगर Q को मैंने 1 नंबर पे माना तो 4 स्थान ऊपर मतलब 1 2 3 और 4 यहां पे आ जाएगा W, यहां पे W आ गया। अब दूसरी कंडीशन में है कि W, हो सकता है W ऊपर हो, तो मैं W को ऊपर भी ले लेता हूं, अगर W ठेठ ऊपर है तो उसको नीचे भी वापस 1 2 3 और 4 पे आ जाएगा Q, आ गया 4 पे Q। एक बार वापस ध्यान देना, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये इनके बीच में 3 लोग बैठेंगे, इनके बीच में 3 लोग, 4 स्थान का मतलब होता है कि 4 स्थान मेरे से 4 स्थान दूर है, तो बीच में 3 लोग और चौथा वो वाला, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाली कंडीशन हमने यहां पे अप्लाई कर दी। फिर इसमें दूसरी कंडीशन हम लेते हैं इसको, कि इसको मान लेते हैं, चलो ये वाली ले लेते हैं, एक्स और क्यू, क्योंकि क्यू दोनों में है तो हम इसका संबंध निकाल सकते हैं, X और Q के बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं, तो Q यहां है और X इधर आ जाएगा, X और Q के मध्य 2 डिब्बे हो गए, 2 और 3, ठीक है। फिर दूसरी वाली में भी अप्लाई करना पड़ेगा, X और Q के मध्य 2 है, यहां पे X मान लेते हैं X, मगर यहां भी बन सकता है, तो एक और सेम कंडीशन बनानी पड़ेगी हमको, और इस बार हमको X लिखना पड़ेगा यहां पे, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो इसलिए हमने 2 चीजें बनाई। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट में कर रहा हूं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आराम से, और दोबारा भी देख सकते हैं, कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपको पर्सनली इसका जवाब दूंगा कमेंट में। फिर आगे जाते हैं हम, हमारा यहां तक हो गया एक्स के साथ, अब एक्स का संबंध देखते हैं, एक्स का संबंध देखो, एक्स का संबंध पी से, पी और एक्स के बीच में 3 डब्बे है, पी और एक्स के बीच में 3 डब्बे है,
अब x के यहां से तो नहीं हो सकता तीन डिब्बे, तो यहां से गिनते एक दो तीन और यहां आ गया p, फिर वापस यहां से x में एक दो तीन और ये आ गया p, वापस यहां से x में एक दो तीन और ये आ गया p, क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है कि सब जगह अप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए मैं तीनों जगह चला रहा हूं साथ साथ में, कहीं ना कहीं एक आध एलिमिनेट होती जाएगी ऐसे ऐसे तीनों लाइन। देखो ये वाली लाइन हमने सॉल्व कर ली, ठीक है, x और q के बीच में भी हो गई और ये वाली भी हो गई। अब हमें देखना है w और r के बीच में चार डिब्बे रखे गए हैं, w और r के बीच में चार, यहां से देखते हैं एक दो तीन चार, तो ऊपर तो जाएगा नहीं दसवें पे एक दो तीन चार, नीचे भी जाएगा नहीं, तो ये लाइन तो हमारी कट गई ये लाइन। अब यहां से W है, यहां भी W है, दोनों जगह W W है। अब W और R के बीच में चार डिब्बे, तो यहां से देखते हैं एक दो तीन चार, तो यहाँ R आ रहा है तो ये सही है, फिर वापस देखते हैं एक दो तीन चार, यहाँ P है तो ये लाइन भी कट गई। अब हमें ये लाइन बीच वाली मिली क्योंकि दोनों लाइनें कट गई, यहाँ भी R ऊपर नीचे हो रहा था और यहाँ भी P की जगह R आ रहा था, तो गलत है क्योंकि हमारा जो पहले से किया है हमने वो वाला सही किया था, इसलिए तीन कंडीशन बनी थी। अब हमारा आर भी बन गया। अब आगे जाते हैं बढ़ते हैं, चार डिब्बे हो गए आर, फिर आर और एस के बीच में दो डिब्बे रखे गए, आर और एस के बीच में, आर और एस के बीच में, या तो आर एस इधर आ सकता है या एस इधर, तो इधर वापस दो कंडीशन बनेगी, तो हमें एक बार और वापस लेना पड़ेगा सेम कंडीशन पी क्यू और आर, यहां तक तो ले लिया और यहां एक्स भी है, ये सारी कंडीशन हमें वापस लेनी है। अब देखो आर और एस के बीच में दो डिब्बे रखे गए हैं, आर और एस के बीच में दो डिब्बे, तो एक बार तो मैं इधर ले लेता हूं एक और दो डिब्बे मान के, इधर एस ले लिया हमने, एक बार इधर ले लिया, एक बार इधर दो छोड़ के इधर बिल्कुल नीचे ले लिया, तो दो कंडीशन वापस चल रही है। फिर आगे चलते हैं, डिब्बा यू है वो एस के आसन है। अब बोला है यू जो डिब्बा है वो एस के आसन है, आसन का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया, आसन का मतलब होता है पास में, ठीक पास में सटा हुआ, ठीक है, तो इधर तो सटा हुआ, इसके नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है, अंडरग्राउंड तो है नहीं बिल्डिंग, तो हम ये वाली कंडीशन तो वैसे ही कट गई क्योंकि ऊपर हमारे x है, यहां आ सकता है क्योंकि ऊपर का एक खाली है, तो यहां आएगा हमारे u, u बन गया। फिर आगे देखते हैं t v के नीचे रखा गया है, t जो है वो v के नीचे रखा गया है लेकिन ठीक नीचे नहीं है, तो T है वो V के नीचे है, तो ये V बन गया, ये T बन गया, और ठीक नीचे भी नहीं है, और इसमें बोला गया कि V सबसे ऊपर भी नहीं है, तो V सबसे ऊपर भी नहीं है, हमारा सबसे ऊपर आ गया W, और हमारी सीरीज क्या बनी, हमारी सीरीज ये बनी, सबसे पहले W फिर U फिर S फिर P फिर वापस Q, Q के बाद R, R के बाद V, V के बाद सॉरी V V, V के बाद X और X के बाद T, लास्ट में आया T, तो ये हमारी इस टाइप की पजल, ये पूरी प्रॉपर SBI क्लर्क और PO में भी इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप की मैंने पहले सिंपल तरीके से आपको बताई सिंपल वाली, ये दूसरी हार्ड लेवल वाली थी जो आपको इस टाइप से करनी है, आपको थोड़ा से कॉलम बनाने पड़ेंगे, रॉ बनाने पड़ेंगे, टेबल के हिसाब से सेट करनी पड़ेगी, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, और ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, आपको सही स्टार्ट मिल गया तो आप इसको समझ पाओगे। एक बार इस पजल को अच्छे से आप देख लीजिए, समझ जाइए वापस। जी हाँ, यहां तक समझ में आ गया, ये हमारी बन गई इसकी सीक्वेंस, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है W, फिर U, S, P, Q, R, V, X और T, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए जाएंगे आप अगर प्रैक्टिस करोगे और अदम्य अकेडमी से जुड़े रहोगे। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिब्बा U और डिब्बा P के मध्य कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो देख लेते हैं यू और पी के मध्य, U ये रहा और P ये रहा, तो U और P के मध्य तो सिर्फ एक है S, तो इसमें सिर्फ आएगा एक, वो भी है S, ठीक है, ये 100% हमारी पजल सही बनी है क्योंकि सारी कंडीशन एकदम प्रॉपर वे में अप्लाई हुई है, ठीक है। इसी टाइप से अगले भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप इस पजल सॉल्व की है मैंने, उसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आंसर कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चन का आंसर बताना, क्वेश्चन का 7 नंबर का भी बताना, फिर मैं आपके 8 नंबर का इसका भी
ऊपर से डिब्बा क्यू का स्थान, ऊपर से गिनने पर क्यू का स्थान बता देना। फिर डिब्बे पी के नीचे कितने डिब्बे रखे गए, पी के नीचे कितने हैं। फिर उसके बाद है पी के नीचे कितने हैं, हाँ उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा डिब्बा ऊपरी स्थान पर रखा गया है। सबसे ऊपर कौन सा रखा गया है बताओ, सबसे ऊपर तो डब्ल्यू था, तो उसका आंसर डब्ल्यू आएगा। बाकी जो आंसर मैंने नहीं बताए हैं वो आप इसके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताना, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। अब कुछ मैं आपको इसके साथ में ही सीरीज, मैंने आपको पजल के दो क्वेश्चन करवाए, एक इजी वाला था, दूसरा मॉडरेट टू हाई वाला था। अब आप देखते हैं सीरीज के कुछ क्वेश्चन, जो सीरीज इंपोर्टेंट टॉपिक है। सीरीज को लेके भी मैंने आपको बताया कि अब हमने थंबनेल में आपने देखा होगा पजल एंड सीरीज, तो हम इस टॉपिक को और इस चीजों को हम हर क्वेश्चन हर क्लास के एंड में या साथ में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 7 है, फिर 56 है, फिर 92, 92 है, फिर 117 है, 133 है, इसके आगे क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसके आगे क्या आएगा, बताइए। 30 सेकंड का समय है आपके पास, क्योंकि आपको एग्जाम में इतना ही समय मिलेगा इन सब के लिए। सीरीज के लिए बिल्कुल कम समय निकालना है आपको और कम समय में आपको ये सॉल्व करना है, तो बताइए कितना आंसर आएगा। 148, 135, 138, 147 और 142, टोटल 5 ऑप्शन है, बैंक में 5 ऑप्शन ही आते हैं, 1/4 माइनस मार्किंग होती है। 20 मिनट का आपको ये 35 क्वेश्चन करने पड़ेंगे रीजनिंग के। चलो मैं करवाता हूं इसे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया 7, ठीक है। अब 7 7 के साथ ऐसा क्या किया कि 56 आ गए, डिफरेंट देख लेते, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना हुआ, इन दोनों के जब 56 में से 7 गए तो 49 बचे। अब 92 में से 56 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं, 12 के 6 और फिर बचे 3, तो 36 बचे, ठीक है। फिर इधर से ये 17 और 8 25 हो गए, फिर वापस इनमें से ये माइनस करते हैं तो कितने आए, 16 आए, 13 और 3 16। अब हमें ये कहीं ना कहीं ये चीजें पता चल रही है कि ये तो स्क्वायर है, किसके स्क्वायर है, ये है 7 का, ये है 6 का, ये है 5 का, ये है 4 का, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया 4 का, तो आगे वाली संख्या क्या होगा, स्क्वायर होगा, किसका होगा, 3 का होगा, कितना होगा, 9 होगा, 9 आ गया स्क्वायर इसका, तो ये 9 इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह ऐड ही तो हो रहे हैं। यहाँ पे 49 ऐड हुए, यहाँ 36, यहाँ 25, यहाँ 16, फिर वापस 9 ऐड किए, जब 32 33 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 142 आंसर आएगा, कितना आएगा, 142, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन, इसको वापस एक बार देख लीजिए। इसमें सभी में स्क्वायर जुड़ रहा है, इसमें 7 का स्क्वायर जुड़ा, इसमें 6 का, इसमें 5 का, इसमें 4 का, इसमें 3 का, आगे फिर जुड़ना हो तो फिर 2 का जुड़ेगा। चलो बताइए, 2 4 16 86 610 आगे क्या आएगा, बताओ क्या हो सकता है आगे। 30 सेकंड का समय देते हैं आपको, जल्दी से सॉल्व कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए फटाफट। जी चलो देखते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस में भी इतना ही समय गंवाना है, इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है और कम समय में करनी है, तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन पे वापस। 2 का होगा 4, तो देखो डायरेक्ट देखने पे तो इसका क्या हो रहा है, या तो स्क्वायर हो रहा है, ठीक है मान लेते हैं स्क्वायर किया, 2 का 4, 4 का 16, मगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 256 आता है, मगर यहाँ तो 86 ही दिया हुआ है, तो स्क्वायर तो नहीं हो रहा है। फिर आगे देखते एक बार और कि इसका गुणा इससे करते, 2 से किया गुणा, 2 का गुणा 2 से कर दिया, फिर 4 का गुणा 4 से कर दिया, फिर वापस इसका गुणा 8 से कर देते तो भी बहुत ज्यादा आता है, 16 का गुणा 8 से करेंगे तो भी 86 नहीं आएगा। तो क्या किया, इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई
जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई मैं बताता हूं कैसे नहीं आई। चलिए सबसे पहले क्या किया, दो का गुणा किया किससे, एक से। दो का गुणा किया एक से, कितना आया आंसर एक। फिर वापस जोड़े कितने, प्लस करके लिख दिए दो, कितना आया चार आ गया, आ गया चार। अब यही कंडीशन दूसरे में अप्लाई करते हैं, चार का गुणा किया किससे, किया किससे करेंगे, तीन से किया। चार का गुणा तीन से किया, चार दिया बाईस, चार दिया बारह, चार दिया बारह हो गया, वापस इसमें जोड़ दिए चार, ठीक है हो गए सोलह। अब सोलह, सोलह का गुणा किससे किया, सोलह का गुणा किया पांच से, सोलह पंजे अस्सी और अस्सी में जोड़ दिए छह। देखो यहां तक स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था, मगर अब देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। एक तीन पांच, क्या हो रहा है, दो चार छह, एक दो तीन चार पांच छह, आ गया समझ में। अब करते हैं जो आगे वाली संख्या है कितनी है, 86 है, 86 86 लिखा, फिर क्या करेंगे, छह आ गया, ये सात आ गया, फिर यहां आ जाएगा आठ आ गया, करेंगे गुणा कितना हुआ, इसका गुणा ये करके ये करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा, क्या आएगा, यहाँ 86 आ गया, यहाँ पे आएगा 610, 610 आ गया। अब वापस हम करेंगे कितना, 610 का गुणा करेंगे किससे, 9 से, फिर जोड़ेंगे कितने 10, क्योंकि अल्टरनेटिव एक तीन, ये विषम संख्या ये सम संख्या चल रही है, ये समझ जाओ ठीक है, या फिर डायरेक्ट गिनती बोल दो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस। तो 9 से गुणा किया तो कितना आया हमारे पास, करके देखते हम, 610 का गुणा जब करेंगे हम 9 से तो कितना आया, जीरो आया। अब एक का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आया, 9 आया, और फिर 9 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आया, 54 आया, और जोड़ने कितने इसमें 10 जोड़ने हैं, कितने जोड़ने हैं 10, तो 0 0 5 और 5 कितना टोटल आया हमारे पास, टोटल आंसर कितना आया, 5500, 5500, 5500 कहां पर है, 5500 है ऑप्शन बी में, ई में नहीं है, ई में 5550 है ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, 5500, 5500 ठीक है, आया समझ में। अब सीक्वेंस कैसे चली, पहले एक से गुणा, दो जोड़े, तीन से गुणा, चार जोड़े, पांच से गुणा, छह जोड़े, इस टाइप से चला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बताइए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने से ही हो गया, बताइए कितना हो सकता है, जल्दी से आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से कीजिए, कितना हो सकता है इसका आंसर। सत्ताईस है, 125 है, 343 है, 729 है, 1331 है, बताइए। कितना हो सकता है, चलिए इस टाइप की संख्या जब आए ना, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये संख्या आपको देखते ही मजा आ जाएगा कि हाँ ये तो हो ही गया हमसे, एक तो नंबर आ ही गया। कैसे आएगा, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये देखने में ऐसे तो है 27 है, मगर हम देखते हैं जब 27 और 125 साथ साथ में आ जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये क्यूब है, किसका है, तीन का है, फिर किसका है, पांच का है, फिर किसका है, सात का है, ये सारे क्यूब है, ये तीन का है, ये पांच का है, ये सात का है, ये नौ का है, ये ग्यारह का है। तो हमें पता चल गया कि क्या चल रहा है, तीन पांच, तीन पांच सात नौ ग्यारह, तो आगे कितना आएगा, आगे आएगा तेरह, और तेरह का क्या आएगा, क्यूब आएगा, तेरह का क्या आएगा, क्यूब। तो तेरह का क्यूब करते हैं तो कैसे करेंगे, तेरह गुणा तेरह गुणा तेरह, कितना हुआ देखते हैं, कितना होता है, तेरह का गुणा तेरह से करेंगे तो 169, वापस तेरह से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2197, 2197 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन है डी में, ऑप्शन डी में है। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 2197, 2197, 2197, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये शायद सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं, एक एक दो छह चौबीस, 120 और 720, ये तो कर लो बहुत जल्दी, बहुत सिंपल भी है।
ठीक है, समय की घड़ी समाप्त हुई। देखते हैं, एक के बाद एक, फिर आए दो, फिर आए छह, फिर 24, फिर एक। इस टाइप के क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे आप डेली बेस पे 10-20 क्वेश्चन इसके लगाओगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल हो जाएंगे। इसको देखने पर क्या, एक का गुणा एक से किया, फिर दो, एक का गुणा जो आया इसका गुणा एक से हुआ, फिर इसका गुणा दो से हुआ, इसका गुणा तीन से हुआ, इसका गुणा चार से, इसका गुणा पांच से। दिख रहा है, एक का गुणा एक से एक आ गया, एक का गुणा वापस दो से दो आ गया, दो का गुणा तीन से छह, छह का गुणा चार से 24, 24 का गुणा पांच से 120, 120 का गुणा छह से कितना आया 720, 720 का गुणा करेंगे सात से। तो बताओ सात से गुणा करेंगे तो कितना आया हमारे पास, कितना आएगा 720 गुणा करेंगे सात से तो कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो 14 के 4, हासिल का कितना 1 49 और 1 50, तो कितना आया 5040। 5040 है ऑप्शन सी में, 5040 ऑप्शन सी में है। आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, और ये आपके क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आप वापस जुड़ोगे हम हमारे साथ। जुड़े रहिए अदम्य एकेडमी से। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।